हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब और मैं हूँ अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारा एससीए का एक न्यू और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा इंडिया चाइना रिलेशन, यानी के भारत चीन संबंध। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मैं मेरे वीडियो में हर वीडियो में एससीए का एक न्यू और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करती हूँ, जो कि या तो आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए होता है, इम्पॉर्टेंट होता है, या फिर आपके जो है किसी स्कूल के या फिर आपके कॉलेज के एकेडमिक लेवल पर जो है कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे ही मैं बताना चाहूँगी, हमारे जो नेशनल और इंटरनेशनल डेज होते हैं उन पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कराती है अलग अलग फील्ड में, तो उन्हीं में से जो हमारा ऐसे कॉम्पिटिशन वाला एक पार्ट होता है उन पर आपको एक स्पेशल थीम दी गई होती है जिस पर आपको ऐसे प्रोवाइड कराना होता है। और ये कॉम्पिटिशन अब ऑनलाइन जो है ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना पैनेडेमिक। सो उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही मैं एग्जांपल देना चाहूँगी। अभी हमारा एक डे आ रहा है 5th of June, यानी कि एनवायरनमेंट डे, तो उस पर जो है अभी कुछ स्टेट में कंपटीशन हो रहा है जिसका हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो मैंने आपको उस पर भी ऐसे प्रोवाइड करा दिया है, आप उसको जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो भी हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स हिट द लाइक बटन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जैसे आज तक करते आए हैं ऐसे ही आगे भी मुझे अपना सपोर्ट करते रहिए। तो आइए अब हम हमारा जो एसे का टॉपिक है इंडिया चाइना रिलेशंस है ना, तो आज मैं ये आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कराऊंगी क्योंकि मेरे जो कुछ व्यूवर्स हैं उनकी जो है रिक्वेस्ट आई थी कि मैम आप इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन किया कीजिए क्योंकि कुछ को जो है प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको वो हिंदी में भी एक्सप्लेन कराने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा एसे इंडिया चाइना रिलेशंस। द हिस्टोरिकल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना गोज़ बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, यानी कि भारत और चीन के ऐतिहासिक संबंध हजारों साल पुराने हैं। मैनी अदर एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना हैव बीन द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म हुज बर्थ प्लेस इंडिया इज कंसीडर्ड। चीन सहित अन्य कई एशिया के देश बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं जिनकी जन्मभूमि भारत को माना जाता है। इन द 3rd century, यानी कि 3rd सदी में एम्पेरर अशोका डिड स्पेशल प्रोपेगंडा फॉर द प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म। 3rd सदी में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विशेष प्रचार किए थे। दिस इज कंसीडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ इंडो चाइना रिलेशंस, यहीं से भारत चीन संबंधों की शुरुआत मानी जाती है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन है ना। देखो, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैंने मेरे चैनल पर अभी आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आपको एससीए के इम्पॉर्टेंट टिप्स बताए हैं कि कैसे हमें एक अच्छा एससीए, अट्रैक्टिव एससीए लिखना चाहिए, तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आई होप उस वीडियो को देखने के बाद आपके कुछ जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली अपना एसे जो है अच्छा लिख पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आती है हमारी जो है, मैंने आपको उस वीडियो में अच्छे से बताया है, आप वैसे भी जानते होंगे कि हमारे एसे की 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है इंट्रोडक्शन, देन सेकंड है बॉडी, थर्ड फाइनल होता है हमारा कंक्लूजन। देन हम सेकंड पार्ट पर आते हैं बॉडी, यानी कि जिसमें हम हमारे एसे को डिफाइन करते हैं अच्छे से। देयर हैव बीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, जो है देखिए इंडिया और चाइना के जो रिलेशनशिप है यानी कि जो उनके संबंध हैं हम सभी जानते हैं कि उसमें बहुत से उतार और चढ़ाव आए हैं। फ्रॉम एम्पेरर अशोका टू द प्रेजेंट पीएम नरेंद्र मोदी, अशोक सम्राट के समय से लेकर आज के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी उन तक बहुत सारे जो हैं हमें देखने को मिले हैं। इन द 1950s अ टर्म वॉज यूज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना, यानी कि 1950 में एक कथन यूज़ किया गया था
किसको डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को, जो कि था हमारा हिंदी चीनी भाई भाई, है ना। इसको आप नोट डाउन करेंगे। वैसे भी हमारे जो एससीए में कुछ हमारे टॉपिक्स जो हैं, पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये देखिए कब हुआ था, ये 1950 में हमारा जो है डिस्क्राइब किया गया था उसके रिलेशन को करने के लिए। विच मीन्स इंडिया एंड चाइना आर ब्रदर्स, यानी कि इसका क्या मतलब था कि जो भारत और जो चाइना है वो भाई भाई है, यानी कि हिंदी चीनी भाई भाई। However, over the years, relations between India and China have become tense. यहाँ तक कि जो है अब तक, लेकिन यानी कि उस टाइम पर तो था, अब जो है उसके बाद से हमारे जो इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं उनमें कुछ दिक्कतें आ गई थी। Before the mid 20th century, India-China relations were minimal and confined to some trade and exchange of pilgrims and scholars. 20वीं सदी के मध्य से पहले भारत 20वीं सदी के मध्य से पहले जो भारत और चीन के संबंध हैं वो न्यूनतम थे और तीर्थयात्रियों और विद्वानों के कुछ व्यापार और आदान प्रदान तक ही सीमित थे। इंटरेक्शंस बिगेन आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस 1947। हमारी इंडिया की जो इंडिपेंडेंस थी वो, उसका टाइमिंग क्या है, उसकी टाइमिंग है 1947 एंड द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन इन चाइना 1949। तो इन जो है सन होते हैं ये आपके, इनको याद रखेंगे। तो देखिए इसका क्या है, इंटरेक्शन बिगेन आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड द कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन इन चाइना, मतलब कि ये भारत की स्वतंत्रता और चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद बातचीत शुरू हुई। 1 अप्रैल 1950 इंडिया वाज़ द फर्स्ट नॉन सोशलिस्ट कंट्री टू हैव रिलेशन विद चाइना। 1 अप्रैल 1950 को भारत चीन के बीच जो है राजनीयता संबंध स्थापित हुए और भारत चीन के साथ संबंध बनाने वाला पहला गैर समाजवादी देश था। In 1954, the Middle Panchsheel Agreement was signed between India and China. सन 1954 यानी कि 1954 में भारत एवं चीन के बीच मध्य पंचशील समझौता हुआ। Even though all was going well, यानी कि यहाँ तक तो सब कुशल पूर्वक चल रहा था, but in the beginning of 1957, किंतु सन 1957 की शुरुआत में There was a rift between the two countries. इन दोनों देशों के बीच दरार आ गई। The main reason was the boundary dispute, which is hard even in present time, है ना? जिसका मुख्य कारण सीमा विवाद था, जो कि वर्तमान समय में भी सुनने को मिलता है। This attitude of China has been going on continuously. There are many such examples who absolutely refuse to accept China as their friend. चीन का यह जो रवैया यानी कि उनका जो बिहेवियर था निरंतर चलता रहा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो चीन को अपना मित्र मानने से बिल्कुल मना करते हैं। इन 1967 यानी कि सन 1967 में नाथुला एंड चोला इंसिडेंट हैपन, ये जो है ये कुछ घटना हुई, ये घटना हुई और द इंसिडेंट्स वर सेवरल अटैक फ्रॉम चाइना, और ये जो घटना थी ये चीन के ही हमले थे। इन दिस इंसिडेंट यानी कि इस घटना में 65 इंडियन सोल्जर्स एंड 35 चाइनीज सोल्जर्स डेड, 65 भारतीय सैनिक और 35 चीनी सैनिक की मौत हो गई। आफ्टर दोज अटैक्स द बिटरनेस ऑफ रिलेशनशिप इंक्रीज्ड, यानी कि इन हमलों के बाद जो है रिश्तों की कड़वाहट और भी ज़्यादा बढ़ गई। मैनी टेररिस्ट ग्रुप्स प्रोवोक्ड चाइना टू अटैक LAC, यानी कि बहुत सारे जो है मतलब कि कुछ मैनी टेररिस्ट ग्रुप्स ने जो है उनको जो है भड़काया, मतलब चाइना टू अटैक LAC की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। देन टुडे व्हेन द होल वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग विद द कोरोना एपिडेमिक, यानी कि क्योंकि आज पूरा देश जो कि कोरोना महामारी से जूझ रहा है, एवन देन चाइना इज नॉट डेजिस्ट फ्रॉम इट्स एंटिक्स, तब भी जो चाइना है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। टुडे व्हेन द होल वर्ल्ड, यहाँ से हमने क्या है,
फिर आता है द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच इज़ द डिस्प्यूट ऑफ गलवान वैली, जिसका जो है ताज़ा ताज़ा एग्जाम क्या है, गलवान वैली। एट प्रेजेंट नेगोटिएशंस आर गोइंग ऑन बिटवीन द टू कंट्रीज एट द लेवल ऑफ डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री, फिलहाल दोनों देशों के बीच कटुनीति व सैनिक स्तरों पर बातचीत चल रही है। इंडिया चाइना रिलेशंस कैन नॉट येट टू बी कॉल्ड कम्प्लीटली करेक्ट, एफर्ट्स आर ऑन, रिजल्ट्स ओनली फ्यूचर कैन टेल, यानी कि भारत चीन के संबंधों को अभी तक पूरी तरह सही नहीं कहा जा सकता है, प्रयास जारी है, परिणाम भविष्य ही बता सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा इंडिया चाइना रिलेशन एसे। आई होप ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है, मेरे चैनल एजुहब को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना मेरी वीडियो को बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।